हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। साडे घर का नाम ये देखो पेपर पे छपा है। क्या कह रहा है? अरे अरे रुकिए। गलत बोल गए हैं, छपा नहीं छपवाया है। क्या है सर, कहीं ऊपर का जो कमरा है ना किराए पे दे रहे हैं, चार पैसे आ जाएंगे। हाय नहीं मेरा मोटू, मेरे पास ना 8 पैसे का आइडिया है। अरे क्या ऊपर नीचे दोनों किराए पे दे दें? नहीं, पैरों पे घुंघरू बांध के ना सड़क पे नाचो ऐसे ऐसे। नाची कहीं के 4 की जगह 8 पैसे आएंगे। क्यों दे रहे हो मेरा घर किराए पे? अरे महंगाई कितना है, ऊपर से 11 बच्चे 15 भैंसिया 1 साली और ये। ये इतना सारा खर्चा के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? बच्चा ले जे, उंगली करने वाला आदमी आ गया। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना तुम। तो नहीं करेंगे, और वैसे भी हमसे यहाँ पर इस वक्त बात करने का जरूरत तुमने कैसे किया? भाभी इसको समझाओ, दोस्तों के साथ ऐसे बात करते हैं? सुनो जी, दोस्ती में ना थैंक यू होता है ना सॉरी। मैं तो कभी सीधा थप्पड़ मारो इसके मुंह पे। तुम लोगों ने ना मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया है। मेरे होते हुए तुम लोगों ने अखबार में घर को किराए पर देने का इश्तिहार दे दिया। ओ भाई ओ, तुमको जरा आइडिया है कि घर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बच्चा ये तेरी मेरी दोस्ती के बीच में पैसा कहां से आ गया? चंदू ये तुम्हारे हमारे बीच में दोस्ती कहां से आ गई? सही कहा। बच्चा पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता, पैसा मैं भी ला सकता हूं। सिद्धू पाजी एक बार को यहाँ से किसी हीरोइन को शायरी सुनाए बिना जाने दे सकते हैं। कप्पू शर्मा हमें चाय पूछ सकते हैं, ये खूबसूरत लग सकती है। ये बात हम जरा फ्लो फ्लो में बोल दिए, कोई और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे रणवीर सिंह किसी और की शादी में डांस किए बिना वहां से जा सकते हैं, लेकिन ये आदमी पैसे ला सकता है, इस बात पे हम यकीन नहीं करेंगे। बस बच्चा बस, अब तुम्हारे शब्द मेरी सहनशीलता की मर्यादा को लांग रहे हैं। ये लाइन भी किसी से मांग के आया है, मांगे तर कहीं का। क्या? मैं चंदन उर्फ चंदूलाल वल्द घसीटाराम आज भरी महफिल में ये शब्द लेता हूँ कि जब तक मैं पैसे लाकर तुम्हारे मुंह पर नहीं मार देता और घर किराए पर नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ₹10 देना, वड़ा पाव खाना है। देखो भाई, तेरा भीख की तरह मांगोगे ना तो शायद हम दे भी दें। ये देखिए, आधा एटीट्यूड आधा भिखारी। हेलो यार। ये देखिए, आधा आदमी आधा हिप्पोपोटामस। आधा क्या? वही नहीं, वही क्या, बहुत मोटा है, मुंह में फंस गया है। अरे नहीं नहीं बताओ। मेरी बात सुनो। इधर आओ जी। सुनो जी, अगर वो कहीं पैसे ले आया तो? अरे वो कहां से पैसे लेके आएगा, और वैसे भी घर हम उसे देंगे जो हमारी शर्तें माने। डोंट वरी, तुम ना अंदर जाके जरा बच्चों का लंगोट बदलो। चलो एक मिनट, कैसे बदलू, उन्होंने कौन सा गिल्ला किया है? तो जाके अपना शकल दिखा दो ना, डर के गीला कर देंगे। इधर आओ जी। मेरे से ना जरा तमीज से बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको चेंज करना पड़े। आए बड़े, सब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। हमो का नाराज हो जाते हो बेबी, स्वीटी। नाराज होती? ए, देखो यार ये तो नाराज है बेबी। ए, स्वीटी, ए, नारिया। अरे रुक जाओ, अरे कहाँ चली बेबी? स्वीटी स्वीटी बोल रहा हूँ। ये तो साहब मैं आ गया। मैं आ गया। इससे पहले कि ये और कुछ कहे, इसके ऊपर मैं कुछ कह देता हूँ। कह दो।
चेहरे पे मुस्कुराहट रोज देता। वाह। हंसते हंसाते जीवन की सोच रोज देता है। वाह। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये राजेश अरोड़ा, जब भी आता है खुशियां ही खुशियां बिखेर देता है। गले मिलने को दिल कर रहा है। मिलने में नहीं, आपके पीछे बैठी लड़कियों से कैसे देख रही है मुझे आके बांट बांट के, कैसे हैंडसम मर्द कभी देखा नहीं पहले से। चुनी साहब आपको एक बात बताऊं? दो बता। बहुत रिच लग रहे हैं आप चुनी साहब, बोलो पाउट पाउट। चिंतू साहब 0 रुपये आउट। चिंतू साहब मैंने पेपर में ऐड देखा, इधर कमरा खाली है किराए पे, मैं आ गया। हाँ। आप सोच रहे होंगे मैं डोली में क्यों आया। क्यों? जो मैं चोली में आता आपकी हंसी निकल जाती। मैं अकेला नहीं आया चिंतू साहब, दुल्हन भी आई। क्या बात है, वो छा गया गुरु, छा गया अरोड़ा। हाँ यहाँ पे शर्मा रही है। डोली में मुझे इसने ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाए जैसे आप नहीं मुझे फॉरवर्ड करते पैसे वाले। She's very naughty. ये अपनी विदाई के टाइम पे रो रही थी, मैं समझ गया ये कंफर्टेबल नहीं है। हाँ। मैंने इसके बाप को कहा दूल्हे को जाने दो, मैं इसके साथ आता हूँ। मुझे भी लिफ्ट मिल गई, ये भी खुश हो गई। हेलो दुल्हन, अगर तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे साथ कुछ छेड़छाड़ करे ऐसा खींच के लफाड़ा मार देना उसको। सिद्धू साहब आप सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार होके कहाँ से आ रहा हूँ, मैं एक्चुअली शादी में गया था। हाँ। वैसे मैं इतना तैयार होता नहीं। हाँ। मैं दिल्ली में गया, दिल्ली की शादियाँ मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा। बिग फैट वेडिंग, सॉरी बिग फैट वेडिंग। अरे दिल्ली की शादियों में इतनी अमीर महिलाएं आती हैं, उनको देख के मजा आ जाता है, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ अंदर ही अंदर। सच बता रहा हूँ मुझे स्मोकी आइज बड़ी पसंद है सिद्धू जी। आई एम एडिक्टेड स्मोकी आई वाली लड़कियाँ फ्रेंडशिप के लिए संपर्क करे राजेश अरोड़ा। अच्छा मुझे वो बटॉक्स वाली लेडीज भी बड़ी अच्छी लगती हैं, वो जो गाल ऊंचे नहीं करा लेती। हाँ। कसम से सिद्धू साहब इतना मजा आता ना, 50 की उम्र में भी 49.5 लगती है। अच्छा मैंने मुंबई में आ गया, बैंड्रा की बड़ी बातें सुनी। हाँ। बैंड्रा में रात को पार्टियां बड़ी होती हैं। हाँ। बैंड्रा में जो लड़के दुबले पतले मरे ले लड़के। हाँ। इतनी इतनी पैंट पीछे से मांग दिख रही होती लड़कों की। मेरा दिल करता है इनका बाप बन के ना इनको मैं घुटनों में लेके कूनी मारूं। हालांकि मेरी उम्र नहीं है, आई एम टू यंग टू बिकम ए फादर। अरे सिद्धू साहब, हाँ जी, आपने इतना क्रिकेट खेला, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। रात को जो शराब पी के हैंगओवर हो जाता है। हाँ। वो कितने ओवर का होता है? मैं ये घर में रहने आया हूँ, मैं देखूं यहाँ पे घर कैसा है, मैं अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं यहाँ आग लगा दूंगा, मेरे को पसंद नहीं आता, ये घर किसका है? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तितली 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 तितली, हमसे इस तरह नाराज मत हुआ करो यार, कहीं तुम्हें मनाते मनाते कोई और हमसे ना मन जाए। मन जाए और मेरे हाथों से वो मर ना जाए, पीछे वो सारा भार मेरे पे डाली जा रहे हो। अरे आओ आओ आओ, लो यार। हाँ। हमारे जैसे सामान सेम टू सेम खरीद ले सस्ते में। अरे हाँ ये तो एकदम, ये हमारे जैसा ना, ये तो हमारा ही सामान है। ए! ओ! ओ भाई साहब। हेलो अंकल। कौन हो भाई और ये क्या है कि हमारा सामान कैसे फेंका ऐसे? घोड़ी की पूछ का झाड़ू बनाया, मोटी शर्म नहीं आती तुझे? ये किसका सामान है? अच्छा हुआ दोनों मजदूर आ गए, मेरी बात सुनो, ये सामान उठा के नाले में फेंक दो, चलो। एक मिनट, आप क्या देख रहे हो? मेरी माँ का दिया हुआ सामान नाले में फेंक रहे हैं, बच्चा। सुना हमने, सुन के आंखों में आंसू आ गए।
इतने सालों से हम ना कह पाए, एक पराया मर्द कह गया यार। इधर आओ, मेरा ये वाला हाथ दुखता है। नहीं नहीं, हम खाली कह, हम खाली कह। बेबी, इतनी बार का तमीज में रह करो। ऐसा ना हो कि भारत की जनसंख्या में से एक आदमी मैं कम करती हूँ। भाई ये क्या ले आया रोड़ा? मार दूंगा, कर दूंगा। अच्छा, इन दोनों को देख के लगता है जैसे ना किसी ने दो कद्दू धो के रखे हो। सुनो मेरी बात, मेरा गृह प्रवेश करवाओ, इधर लोटा रखो चावल वाला, मैं इधर ठुड्डा मार के शर्मा के अंदर जाऊंगा। मेरे को बड़ा मजा आता है। गृह प्रवेश कराओ मतलब क्या है? तुम हो कौन? तुम कौन हो? बच्चा है। बच्चा है, चल बाप को बुला के ला, बच्चों से मैं बात नहीं करता। एक मिनट अंकल जी, ये 11 बच्चों के पापा हैं और मैं उन 11 बच्चों की मम्मा। 11 बच्चे, इन दोनों में से कोई तो है जो गलत फिल्में देखता है। 11 बच्चे मतलब 5.5 तुम्हारे, 5.5 तुम्हारे। 5.5 बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो माँ पैदा करती है ना। आदत तुम भी किया करो मोटू। इतना एरिया तुम्हारे पास आलसी आदमी कहीं के। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बात मान लिया करो, काम चोर कहीं के। अब देखो यार, हम तुम्हें किराएदार नहीं रख सकते हैं। मैं एज ए मालिक रह लूंगा। चलो इसी खुशी में तुम्हारा 1 साल का किराया माफ। जाओ। सच्ची अंकल? बिचारा। सच्ची अंकल? हम फ्री में रहेंगे। ए भ्रष्ट बुद्धि, हमारा घर है ये, हम तो फ्री में ही रहेंगे ऑब्वियसली। मुझे तुम्हारी हंसी पसंद नहीं आ रही बिल्कुल, मैं चोंच मार के पंक्चर कर दूंगा तुम्हें। और सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे घर का वास्तु पसंद नहीं आया, इसको ढे दो। एक काम करो, इसका एंट्री गेट तोड़ के इसका गेट ऊपर लगाओ और ऊपर एक हेलीपैड बनाओ। ओह, आपके पास हेलीकॉप्टर है? मेरे पास माँ है। और सुनो मेरी बात, ये घर रविवार के रविवार जुहू के सामने शिफ्ट करो। बच्चन साहब आएंगे ऐसे हाथ लाएंगे, मैं मुंह उधर कर लूंगा। लोग कहेंगे बच्चन साहब से बड़ा आदमी आ गया, कैसा लगा मेरा आइडिया? जी, अगर मैं आपके दिमाग का इलाज करा दूं तो कैसा रहेगा? कैसा लगा ये आइडिया? अत्थू। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ। ओए गैंडुमल, घर की चाबियां दो मेरे को। अरे ऐसे कैसे चाबी देना, आपको घर में रहना है तो पहले पगड़ी देना होगा। पगड़ी नहीं, मैं तुम्हें साड़ी दे सकता हूँ। और सिद्धू साहब को बड़ा मजा आता है, लड़कों को ना लड़कियां साड़ी पहन के आती है, इनको बड़ा मजा आता है। मेरी तरफ से डील फाइनल। रुक जाओ, चंदू ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है, पैसे मैं ले आया हूँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए भाई? तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिन रहे मोटू राम? ये बताओ शिफ्ट कब करना है? ओ हेलो चोटू, जब भाग के पानी ले गया। चोटू नहीं, चंदन हूँ मैं, चंदन। ओए तेरे मुंह पे नहीं सूट करती जैसा बात है, तेरे मुंह पे ये। ओए चोटू हेलो। आप हो कौन? अथू। ओ रोड़ा साहब, आप फिर आ गए। डकार, फाट और मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। ओ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सोसाइटी के 3 स्तंभ हैं। अच्छा, दीपिका, आलिया, कटरीना, ये है स्तंभ, इनको रखो, मेरे को बड़ा मजा आता है। ये तीनों बड़ी मुझे पसंद है, हॉट कहीं की। ये इतना लगातार इतना फालतू बात कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा मैं एक बात बतानी भूल गया, मुझे ना डबल एक्सल मोटे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो क्या कहते हैं, वो जो सब्जी में लगता है यार। ओ, तड़का? तड़का सूखी दाल खाने वाला आदमी, इसको क्या पता तड़का क्या होता है। तू वो बोला कर, फंगस, फंगस। हाँ अच्छा, मुझे फंगस बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जब मैंने इसको देखा, मेरे को लगा कि फंगस ठीक होती है। लेकिन जब मैंने इसको देखा, और मैंने कहा फंगस बहुत अच्छी होती है।
मुझे तुम्हारा मुंह पसंद ही नहीं आया। आपने अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देना जो मुझे पसंद कर रहे हो। मेरी बेटी है ही नहीं, अगर होती तो मैं उसका हाथ जरूर देता तेरे मुंह पे। तुम अपने मुंह पे लखनवी एम्ब्रॉयडरी कराओ, 2500 रुपए में हो जाएगी। आप भी अपने मुंह पे सिलाई करवा लो, 10 रुपए लगेंगे। ये बात के बाद मुझे और भी गंदा लगने लगा है, इसको डिलीट कर दो। तुम्हारा डिलीट हो गया? ओ नहीं, ऐसे कैसे डिलीट हो गया? डिलीट कर दो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये देखो पैसे लेकर आया हूँ। ये पैसे नकली है। ऐसे कैसे नकली है? अनुपम खेर की फोटो बनी है इधर। ये पैसे नकली है। एक पैसे नकली है, तीन पैसे नकली है, पैसे नकली। कहाँ से नकली है? पैसे नकली है, दिखाओ असली असली। ये लो भाई, किराया मेरा हो गया। हेलो, मेरा पैसे आ गए। लेकिन ये तो मेरे पैसे हैं। तूने किसके हाथ से लिए मोटे? आपके हाथ से लिए। तो पैसे किसके हुए? तो मेरा तरफ से एडवांस आ गया। चलो मेरी बात सुन लो, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं लड़कों को बुला लूंगा। मैंने पूरे मुंह में तेरा पूरा किला दे देना है। अभी रुको जरा, फिर अभी मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं।